फाइनली दोस्तों चाइनीज स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी सोमी ने दोस्तों अपने एंड्रॉइड वन बेस के दोस्तों पहले स्मार्टफोन को सोमी मी A3 को लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, क्या इसके फीचर्स है, क्या दोस्तों इसकी प्राइस रेंज है, तो बात करेंगे सोमी की इसी मी A3 के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम सागर, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल प्रेम सागर वर्मा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करेंगे इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी को लेकर, तो दोस्तों कह सकते हैं इसकी जो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी दी गई है बहुत ही स्पीकर अच्छी स्पीकेशन साथ दी गई है, और इसकी डिजाइन दोस्तों कह सकते हैं बहुत ही ग्रेडियन फिनिशिंग साथ और शाइनिंग और प्रीमियम लुक्स के साथ दिया गया है, जो इसे पॉलीकार्बोनेट बॉडी दी गई है। तो दोस्तों ये कह सकते हैं बहुत ही अच्छा। और बात करते हैं इसके डिस्प्ले को लेकर, तो इसमें डिस्प्ले दोस्तों 6.08 के इंच के फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गए हैं। दोस्तों कह सकते हैं सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई, बहुत ही अच्छी स्पीकर। और बात करते हैं दोस्तों इसकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर गया जो सिक्योरिटी के लिए दी गए। वही दोस्तों इसकी बॉडी टू रेशियो की बात करें तो 19:9 दिया गया है जो बॉडी टू रेशियो, और दोस्तों ये इसमें वाटर ड्रॉप नॉच के साथ दिया गया इस फोन में। तो दोस्तों कह सकते हैं इस हिसाब से इसकी डिस्प्ले और बॉडी तो बहुत ही अच्छी दी गई है। बात करते हैं दोस्तों कैमरा फीचर को लेकर, दोस्तों कैमरा में रियर में AI दिया गया जो 48 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी सेंसर दिया गया, वही दोस्तों 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया, वही 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिए गए। दोस्तों कह सकते हैं ये फोन बहुत ही अच्छा, वही रियर दोस्तों इसकी LED फ्लैश भी दी गई है जो दोस्तों अपने इसको जो फ्लैश लाइटिंग के लिए बहुत ही अच्छा। तो बात करते हैं फ्रंट के लेकर कैमरा को लेकर, तो इसमें 32 मेगापिक्सल का जो सेल्फी लेने के लिए इसके कैमरा के लिए इस्तेमाल किया गया, जो तो बहुत ही अहम स्पेसिफिकेशन अच्छे कैमरा है। दोस्तों कह सकते हैं बहुत ही अच्छी फीचर्स इस कैमरा में दी गए हैं, जो तो चाहे फ्रंट के कैमरा का चाहे रियर के कैमरा, कैमरा के मामले में दोस्तों ये फोन बहुत ही अच्छी दी गई है। वही बात करते हैं इसकी रैम और स्टोरेज के लेकर, दोस्तों ये 2 वेरियंट में उतारे गए हैं फोन को इसकी रैम और स्टोरेज, जैसे कि दोस्तों 4GB के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज, तो वही दोस्तों 6GB के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज तीसरा जारी गए। वही दोस्तों इसकी बात करते हैं ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम और इस प्रोसेसर को लेकर, दोस्तों बहुत इस फोन के दोस्तों जब बात हुआ मी A3 के, दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर की बात ना हो दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों फोन में ये एंड्रॉइड 9 Pie के बेस पर चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया, तो वही दोस्तों इसमें जो चिपसेट इस्तेमाल किया गया क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन का 665 का स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया, जो दोस्तों ऑक्टा कोर प्रोसेसर कहा जा सकता है। दोस्तों जो ये प्रोसेसर ही कह सकते हैं बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर जो कहा जाता है, जो 765, 670, 710 और 712 जैसे प्रोसेसर को दोस्तों ये कह सकते हैं जो बहुत ही अच्छा खासा इसका प्रोसेसर दिया गया है। वही दोस्तों बात करते हैं इसकी मैंने सिक्योरिटी के लिए, जैसे मैंने दोस्तों सिक्योरिटी के लिए पहले बता दिया कि इसकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। और दोस्तों बात करते हैं इस फोन के कनेक्टिविटी के और फीचर्स को लेकर, अदर फीचर्स को लेकर, इसमें 4G वर्टी का ड्यूअल कनेक्टिविटी, वही दोस्तों इसमें सिम स्लॉट का ड्यूअल सिम स्लॉट, यानी कि दोस्तों इस फोन में चाहे 2 सिम लगाएंगे, चाहे दोस्तों 1 सिम एक ये कर सकते हैं मेमोरी कार्ड लगा सकते, यही दो यूज कर सकते हैं। नहीं दोस्तों इसमें फोन में ट्रिपल स्लॉट नहीं दिया, ड्यूअल स्लॉट दिया गया। और एक चीज और दोस्तों आपको दोस्तों बता, जो ब्लूटूथ GPR सारे सिस्टम इसमें अवेलेबल है, और दोस्तों सब चीज बहुत अच्छी चीज इसमें 3.mm जैक अवेलेबल है। दोस्तों फोमी अपने फोन में 3.mm का जैक देती रहती है, क्योंकि दोस्तों अपने जो ग्राहकों को दोस्तों एंगेजमेंट है उसको बनाए रखने के लिए दोस्तों सोमी अपना 3.mm का जैक को नहीं हटाती। दोस्तों सोमी ने पिछले साल जो सोमी की A2 था उसमें दोस्तों शायद हटा दिया था, तो इसे फोन में दोस्तों, लेकिन दोस्तों अपना सोमी जितना भारतीय मार्केट में फोन उतारती है अपना 3.mm जैक नहीं छोड़ती, क्योंकि दोस्तों सब लोग अपना जो हेडफोन जैक लगाना पसंद करता है, इसीलिए दोस्तों सोमी इसको हटाती नहीं है। तो दोस्तों सबसे बात अहम खास बात रही इस फोन की कीमत और दोस्तों प्राइस, जो दोस्तों सभी लोग इसकी वेट कर रहे हैं, और क्या दोस्तों इसकी जो प्राइस रेंज जो निकल के सामने आई थी क्या वही प्राइस है कि नहीं है, दोस्तों इस बात करेंगे इसको लेकर। दोस्तों मैं बता दूं जो इसकी प्राइस है और दोस्तों जो लीक निकल के आई थी उससे दोस्तों इसकी प्राइस बहुत ही डिफरेंट रखी गई है, उससे अलग, और ये प्राइस रेंज आपको अच्छी लगेगी। तो इसकी बात करते हैं 4GB और 64GB इंटरनल स्टोरेज वाली इसकी प्राइस, तो दोस्तों इसकी 12,999 रुपये इसकी प्राइस स्टार्टिंग कीमत रखी गई, तो वही दोस्तों 6GB और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाली की कीमत 15,999 रुपये की रहेगी। दोस्तों आप लोगों को ये प्राइस अच्छी लगी होगी, और दोस्तों सबसे बात की फोन को आपको कहां से मिलेगा और दोस्तों कब से मिलना स्टार्ट होगा, तो दोस्तों ये फोन आपको अमेजोन पर मिलेगा और सोमी की ऑफिशियल वेबसाइट mi.com पर मिल जाएगा ये फोन को, और दोस्तों 23 तारीख को इसकी फर्स्ट सेल लगेगी, यानी कि 23 अगस्त को इसका फर्स्ट सेल लगने वाला है। दोस्तों मैं भी कोशिश करूंगा इस फर्स्ट सेल में से पाने के लिए, और दोस्तों इसकी फुल स्पीकेशन जिसे यूज करके आज की पूरी इसी फोन को यूज करके आपको इसकी एक्सपीरियंस में भी इसे शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों इस फोन के स्पीकेशन और फीचर्स को जानकर आप लोगों के इस फोन के बारे में क्या ख्याल थे इसे में कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा, और इसकी आप लोग भी अपने ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों भी शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इस तरह टेक्नोलॉजी खबरें लेकर आते रहता हूं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद वंदे मातरम।